तो यहाँ पे ब्रांडा है, चलते हैं ब्रांडा भी आपको दिखाते हैं। ब्रांडे में पूरी आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, बहुत अच्छी भैया। कैसे दे रहे हैं झुमकी भैया, कैसे झुमकी? 100 रुपीज़ की सर, कोई भी आप ले लोगे 1 पीस 100 रुपीज़। ये वाली छोड़कर, अच्छा वो वाली छोड़ के 150 100 100 नहीं पसंद। चलिए अंदर ब्रांड अभी खाते हैं। मुझे बैग लेनी थी, बैग बहुत अच्छी लग रही है भैया। ये बैग कैसे है भैया? भैया जी कहाँ गए ये बैग? यहाँ बोलते हैं ब्रांडा, यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी ज्वेलरी मिलेगी, कॉस्मेटिक के सारे सामान आपको यहाँ पे मिलेंगे। सब कैसे महंगा मुझे देख लेते हैं, चलते हैं देख सकते हैं। वाह ज्वेलरी कितनी सुनने तुमका कर रही हो, ये पसंद है आपको, इधर आइए जा रहे हो। ये देखो कितनी अच्छी सी ज्वेलरी है, इधर आइए दिखाएं। बस ये कि हमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इतनी अच्छी अच्छी ईयरिंग देखती हूँ, मैं भी कुछ अपने लिए नहीं आप ले पाई। ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। हाँ ब्रांडा में क्योंकि इसलिए बहुत पतली पतली गली रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे हमारे यहाँ पे ईयरिंग सबको एक से एक मिल जाएंगे। मुझे भी लेना था, देखना था, बट मैं क्या करूँ, मैं ब्लॉग बना के आप कैसी है भाई? आपके ज्वेलरी कितने से लेंगे, कितने से स्टार्ट है, कम से कम में और कितने से कितने? ये कितने की है? भैया इस तरह यहाँ पे डेली ऐसी भीड़ होती है, यहाँ पे हमेशा डेली ऐसी भीड़ होती है। भैया हमने ले लिया ना उसको, मुझे भी इयरिंग लेनी थी बहुत अच्छी थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इतनी भीड़ में कुछ करूँ। मैं परेशान है क्योंकि जल्दी बहुत लगने वाली है, बस चलते हैं और चलते हैं। भैया आप भी शेयर कीजिए, कोई ले गया वो नहीं आता। बहुत प्यारी ईयरिंग्स है, 350 आप देख सकते हो अभी इतनी ज़्यादा भीड़, अपने समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, मतलब धक्के मुक्के खा रही हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं होती है, कहाँ रंग बिरंगे वहाँ फूल मिल रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ जाना चाहिए।
हाँ सर का ये कार्ड है, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ लेना हो यहाँ से तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेट के सारे सामान हैं। ओह माय गॉड वाओ, ये देखो क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है, चार सौ पचास का। अक्का आप लेना चाहो तो कुछ कम तो हो ही जाएगा, फिर आप आज आपको पसंद हो देख सकते हो कितना अच्छा गॉड। ये दिखाती हूँ आपको कितना खूबसूरत लग रहा है, भैया ये पॉट के साथ ही आप दोगे सिर्फ ये दोगे, फ्री बॉल भी मिल जाएगा आपको। अच्छा बॉल मिल जाएगा, ये भी भाई 450 का ही? नहीं नहीं सेम प्राइस होगी, थोड़ा डिफरेंस होगा। अच्छा थोड़ा डिफरेंस कितना? ये से और वैसे नहीं मिलता है, ये से रियल लग रहा है। इनके हम देख। अच्छा ये पत्तियाँ मैं नेट पर बहुत देखती हूँ, पूछते हैं आज की कैसे दे रहे हो, ये पत्ती कैसे दे रहे हो? 50 और सर पत्ती में कुछ ये। अच्छा ये वाली ये भी कैसे, वाह 50 की 6 फिट की आती है। अच्छा ये सब कितना, यहाँ बच्चों के खिलौने से लेके आपको ज्वेलरी से लेके सब कुछ मिलता है। क्या जैसे पता नहीं फ्रांडा बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना दिखा सकते उतना दिखाते, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी छोटी नहीं रहेगी, क्या मैं छोटे नहीं आ रही क्या? आप उनको साइड दीजिए। अब खिलौने देख सकते हो यार कितने प्यारे प्यारे हैं, मेरे टाइम में इतने प्यारे प्यारे खिलौने थे क्या नहीं थे, ले जाइए सब अच्छे अच्छे आए बढ़िया पांडा सर, अब बड़े हो गए आप खेल कछुआ आई सब बढ़िया है। वो डॉल अच्छी लग रही है, कितनी की वो वाली डॉल? 500 की है, भी और दे दो मेरे बाबू, मुझे बाबू उसको डॉल पसंद नहीं है, वरना उसे पूछूंगी तो वो उठाइएगा जरा डॉल, भैया आपके भी तो फायदे होंगे, लोग देखेंगे आपके खिलौने लेने आने पसंद, फिलहाल ये बहुत प्यारी है और अगर मेरी बहन को पसंद आएगी तो उसे मैं गिफ्ट करूँगी। कितने की भैया बतायो? 300 ले लीजिए, थैंक यू। खिलौने इनके बहुत अच्छे अच्छे हैं, नहीं इसको बना लो, इसका सेल लगा दीजिए, कार हो चाहे निकल आए मार्केट। फिलहाल ब्रांडा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं अब और अंदर नहीं जा सकती। अच्छे लग रहे ना, कितना प्यारा है, पैसा लगेगा।
किसी कोई लोग बताओ ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं। पूछते हैं कितने गए, कहाँ गए, यहाँ शॉप नहीं है, कहाँ गए। ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यूट। भैया कह रहे हैं यहाँ का भी ले लीजिए। क्या बेच रहे, क्या बना रहे भैया? बैगन की पकौड़ी है, आलू की। अच्छा आलू बैगन की पकौड़ी है। भैया कह रहे हैं कि हमारा भी क्या बेच रहे हैं भैया? प्लास्टिक सामान बेच रहा हूँ मैं। अच्छा कितने बजे कितने बजे तक लगाते भैया? सुबह 12 बजे लेके 7 बजे तक। अच्छी बिक्री हो जाती भैया? आजकल तो बहुत कम। अच्छा आजकल बहुत कम। अगर आप लोग देख रहे हो तो भैया प्लीज कुछ भी आपको सामान लेना हो तो भैया के आके लीजिए, ताकि भैया की भी कुछ हेल्प हो जाए। तो भैया आप यही हमेशा लगाते हो? जी हाँ। तो आप लोग इनको पहचान लो, भैया हमेशा ये लगाते हैं। भैया अपने बारे में कुछ दुकान के बारे में बताइए। मैं हमारा काम यही प्लास्टिक का है, हम लोग कम मार्जिन के बेचते हैं, 2 रुपए 4 रुपए। उसके बाद भी अच्छी बिक्री नहीं हो पा रही बहुत हो गई। अच्छा नहीं तो भैया लॉकडाउन की वजह से भैया परेशान है, और आप लोग आ रहे हैं तो भैया की वजह, भैया के यहाँ से कुछ ज़रूर खरीदे, ठीक है? चलिए भैया ठीक है, लोग मिले अच्छे से बातें की। वैसे मैं एक बात बोलूँ, धीरे धीरे ब्लॉग बनाते बनाते फुल कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं मार्केट में इस तरह ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, पहले मुझे मुझसे होता नहीं था पहले मार्केट में ब्लॉग नहीं करना, मतलब हो जाता है। मैं अपने ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ, ठीक है? मेरे चैनल को प्लीज़ जो लोग हैं वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पब्लिक में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपको बहुत फुल कॉन्फिडेंस चाहिए। पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बट ठीक है अब हो गया है और धीरे धीरे और भी होगा। तो प्लीज़ यार आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मेरे चैनल